सो हेलो पिजन के सबसे लोगों के स्वागत है गाइस सभी का तो गेम प्ले के एक और वीडियो में। आज अपन जाने वाले हैं मजबूरी के चलते सिंह डेल्टा में, क्योंकि और कोई हॉट ड्रॉप दिखाएं यार, हमेशा की तरह एक ही चीज कहनी पड़ेगी। क्योंकि देखो तुम्हें पता है, देखो अगर मैं सिंह डेल्टा आ रहा ना, इसका मतलब यही है कि या तो बंदे उतर चुके हैं यहाँ पे वहाँ पे, या फिर कोई और हॉट ड्रॉप है नहीं। तो समझ जाना, आगे से मैं बताऊंगा नहीं, सीधा सीधा बता रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं ना, मुझे मिलती है शॉट गन, और शॉट गन सही यार मिलगी तो मिलगी, क्योंकि आसपास बंदे तो थे नहीं कोई, तो क्या ही करना। लेकिन देखना दूसरे वाले पार्ट में, मतलब सिंह डेल्टा के बहुत सारे पार्ट मैंने तुमसे बता रहे ना, 4-5 पार्ट है, तो इस वाले एरिया में तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे राइट साइड में जो एरिया ना वहाँ पे होते बंदे। जरा शॉटगन के पास सुनो, तीन शॉटगन कुछ इस तरह चली, मेरे को लग रहा था भाई रियल प्लेयर्स हैं उस तरह, तो मैंने प्लान कर लिया था कि जल्द से मैं लूट करके वहीं जाऊंगा, पर मेरे पास अभी वेस्ट नाम की चीज नहीं थी यार। तो भाई हो सकते चार बंदे वहां पे, वेस्ट तो मेरे को ले लेनी चाहिए, भले ही लेवल 1 की बनियान ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन वेस्ट होनी चाहिए। पर देखो मेरे को लेवल 3 की मिलती है, और अब वापस जरा शॉटगन के पास सुनो, ये मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि देखो इससे आपको पता चलेगा कि बंदा कहीं नीले वाले घर के पास है। मैंने मैप भी अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो मैं समझ पाता बंदा इस वाले घर के पास है। मैंने पूरा टारगेट कर लिया था कि इसी बंदे को मैं लपेटे में लूंगा, लेकिन मैं जैसे जाता ना मेरे को मेरे फ्रेम में एक और बंदा दिख जाता, शायद आपको यू ना दिख गया होगा। इस भाई के पास भी यूज ही होती है, मैंने थोड़ा सा मारने का ट्राई करा पर उससे कुछ डैमेज नहीं गया, पर इस बार देखना तो ऐसे बोल रहा हूँ दोस्तों, नो की कर दे मैंने बंदे को। अब देखो उसको डैमेज तो मैं काफी ज्यादा दे चुका था, पर यहाँ पे मुझे इस वाले बंदे पे फोकस करना था। इस बंदे को नॉक करते मैं ऊपर हो लेता हूँ, क्योंकि देखो इसके और भी टीममेट हो सकते हैं, एक तो मेरे को उस तरफ दिख ही चुका था यूजी वाला, तो भाई कहीं से मेरे को पड़ सकते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे ऊपर हील करने आता ना, मुझे आता है इसके टीममेट के फुटस्टेप्स की आवाज़। मैंने एक बैंडेड लगाई और देखो शायद आपको नॉक प्लेयर तो दिखा होगा, और ये आया बंदा बहुत ही गंदा है मेरे को पता है। अब क्या कर सकते, देखो यहाँ पे मेरे को मिलती है एस टूल के, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है एस टूल के और यूजी वाला गेम। यूजी वाला गेम क्या मतलब, देखना इस पूरे मैच में मेरे को एस टूल के और यूजी यूज करनी है। तो सोच रहे होगे तुम तो भैया क्लोज रेंज में क्या हाल होगा बंदों का, लेकिन देखना कुछ अलग ही कहानी बनेगी। अब देखो उसको मैंने नॉक कर दिया, और अब मैं दोनों पूरा फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद मैं सोच रहा था कि वो नीले आउटफिट वाला बंदा कहाँ है, जो कि सबसे स्टार्टिंग मेरे को मिला था ना यूजी वाला, जिसके पास भी यूजी थी, तो मैं उसकी तलाश में सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा था थोड़े एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लगा लेते हैं, बाद में देखते हैं उस बंदे को। लेकिन जैसे मैं एनर्जी ड्रिंक लगाया ना, मुझे सामने एक बॉट दिखता है। अब ये बॉट मारता मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसको मारते मारते ना मुझे आ रही थी गन शॉट की आवाज़, और शायद आपको भी आ गई ना, एक बंदा शॉट गन चला रहा था, मतलब तीन बंदे यहाँ पे मार दिए इस तरफ वाले, फिर भी शॉट गन रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखो मैं जाता भागा भागा, क्योंकि शॉट गन की आवाज़ आई थी सामने की तरफ से, और जैसे मैं यहाँ पे आता ना, मुझे आते एक बंदे के कूदने के बाद, और वो बंदा सामने भागा भागा जा रहा था, तो मैं भी सोच रहा था इसको मारूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे ना परफेक्ट एंगल नहीं मिला, मतलब मिल भी जाता तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, यहाँ पे था मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट होकर भी मैं इसको नॉक नहीं कर पाया ना, तालियां बजा देना जरा। अब देखो मैं भागा भागा जाता हूँ कतई टॉप पे, कि भाई इतना डैमेज दिया ना, फर्स्ट एड नहीं, हेडशॉट ही हेडशॉट मारे उस बंदे के, लेकिन ये हील कर लेता है। यहाँ से भी इसके एक दो लग जाती ना गोलियाँ, तो भाई नॉक हो जाता, पर भाई क्या करूँ, इसका ना इतू सा सर दिख रहा था और नहीं हो पाया, लग ही नहीं पाया एक दो भी गोली। अब देखो ये बंदा इतना ज़्यादा भूल भुलैया खिला रहा था ना मेरे को, मैं बोल चुका था इरिटेटेड, मैंने सोचा भाई आर पार करेंगे, और ये कैसा बंदा है भाई, मैं पीछे रियल प्लेयर पड़ा है, नहीं भैया बोट मार लेते हैं हम तो पहले। अब कोई बात नहीं, देखो मैंने भी सोचा यहाँ पे बोट का किल चोरी कर लूँगा तीन गोलियों के साथ, पर फिर पता चला तीन गोली तो मारते मारते ही निकल जाती यूजी की। अब देखो ये बंदा ऊपर हील कर रहा था वापस से, एक ही शॉटगन मार पाए, दूसरी ओर लग जाती है ना मेरे, तो भाई गेम बच जाता मेरा। अब देखो सामने आपको दरवाजे पर दिख गया होगा ना बंदा कतई लूट रहा है मस्त मजे में, तो मैं इसी को मारने निकल, तो जैसे मैंने हीलिंग लगाई मैं तो यहाँ पे, और देखना सामने वाले नीले वाले घर पे दिख गया होगा, मुझे लगा भाई बस मैं नॉक होने वाला हूँ, लेकिन बंदे ने एक भी गोली नहीं चलाई, मतलब हद यार। अब मैंने सोचा भाई वेट करते, क्या तो स्नाइपर वगैरह हो, हेडशॉट का वेट कर रहा हो बंदा, और देखो कैसे देख रहा है भाई भूत की तरह मेरे को, तो मैंने सोचा एक स्टन फेंकता हूँ और फिर इस पर रश करूंगा, पर देखना भाई ये बंदा सच में मतलब क्या बताऊँ अलग ही नींद में था। काफी मैंने बोलने का भी ट्राई करा था, पर यार इस बंदे की ना नींद काफी देर में खुली थी। अब देखो मैं पकड़ दो गाड़ी, क्योंकि जोन आ चुका था और मैंने कुछ ज्यादा टाइम यहाँ पे बिता दिया। अब देखो मैं गाड़ी लेकर तो थोड़ा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास, मतलब यहाँ अपार्टमेंट के पास में घूम रहा था, तभी देखो सामने जो आपको लाल घर दिख रहा है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है ना, जहाँ पे गैराज है वहाँ पे हो रही थी फाइट। जरा खुश सुन गया होगा, और एक बंदा भी मेरे को यहाँ पे दिख जाता, देखना अभी नहीं अब दिख गया होगा, और अब देखो वापस से सुनो, ये बंदे यहाँ पे किसी को मार देते और मैं इनको मारने वाला हूँ। देखो हरी राम को मैं नॉक कर चुका था, हरी राम 54, और अब आखिरी बंदे की बारी।
अभी तक तो मैच काफी मस्त जा रहा था, मतलब यूजी और एस्टल के दोनों मेरे लिए काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। और देखो सामने आपको एक डाशा दिख गई होगी ना, शायद ही दिखी होगी, नहीं दिखी हो तो अब दिख जाएगी। देखना ये जो येलो वाला घर है ना, यहाँ से गुजरेगी, अब दिख गई होगी आपको शायद, है ना। अभी भी नहीं दिखे ना तो भाई कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। देखो मैं पकड़ता हूँ गाड़ी, मैं निकलती हूँ डाशे वाले बंदे के पास, थोड़ा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास, और जैसे मैं उस तरफ जा रहा था ना, मैं देखता हूँ ये डाशे वाला यहाँ नीले वाले घर के पास ही रुक चुका है। ये बंदा भी भाई एक और एस्टल के मार देता है ना, तो मेरी कहानी यहाँ पे खत्म हो जानी थी। आप जो भी बच्चा थे यहाँ पे, मैं वापस अपनी बग्गी पकड़ता हूँ, मैं थोड़ा अपार्टमेंट के पास होता हूँ यहाँ पे ड्रॉप के पास, मैंने सोचा और बंदे मार लेते, लेकिन मुझे क्या पता था वापस से मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट के उसी गैराज के पास जाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ से घूम रहा था तभी मुझे बंद दिखता है, और देखना स्कारल चलाएगा ये, है ना, चलाने इसके स्कारल का तो कॉन्फिडेंस के साथ चला रहा था। मैंने सोचा कवर में रुक जाते क्योंकि वहाँ पे जो ओपन है ना भाई, ओपन एरिया है पूरा, हो सकता है उसके टीममेट वहाँ पे सांप बन रखे और भाई चटनी बन जाएगी एकदम से, डीसिंग वैसे वो प्रॉपर वाला हो रहा है। तो मैं जैसे आप आया तो मैं देखती हूँ गैराज की तरफ से आ रहा है, और मेरे पास तो है एस्टल के, इसको नॉक करते। देखो मैं कवर में जाता हूँ क्योंकि मुझे पीछे इसके टीममेट के फुटस्टेप्स की आवाज आ चुकी थी, शायद आपको दिख भी, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिख भी गया होगा। इसे मैंने फिनिश करा, और देखो भाई साउंड काफी मैटर करते हैं, अगर मैं इसको मारता रहता ना और वहीं पे खड़ा रहता पूरा फिनिश करता तभी तभी, तो हो सकता है इसका टीममेट इसको कवर फायर दे देता। देखो मैं सीधा नेट टॉस करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, और मुझे लगा था नेट पीछे ना गिर जाए, लेकिन नहीं। और देखो बंदा कहाँ चढ़ रहा है, मतलब हदी कर दी भाई। देखो मेरे को एक टाइम पे लगा था ये वाला नेट मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, क्योंकि देखो हो सकता था वो नेट सीढ़ी में आ जाता और मेरी बैंड बज जाती यहाँ पे। अभी बंदा देखो मेरे को सॉलिड लग रहा था, कवर में जा रहा था, फिर मेरे को मार रहा था, तो मैं समझ चुका था भाई हल्के में नहीं लेना बंदे को, मस्त हीलिंग लगाते हैं। और अब ये बंदा कूदता है नीचे, देखो जैसे यहाँ पे आता ना ये बंदा कूदता है नीचे, और इसे पता नहीं भाई टीपीपी गोल्ड हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे पास एस्टल के है। और ऐसी सिचुएशन से ना भाई एस्टल की इकलौती गन है इस गेम में जो बचा सकती है, हाँ आरपीजी तो बिल्कुल ही बचा सकती है। अब देखो मैं बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, और मतलब गेट इन कर रहा हूँ मैं, जिस तो मेरा ड्राइवर आएगा यहाँ पे, चलो भैया गाड़ी चलाओ। अब खैर मेरे को चलानी पड़ती है, और मैं आता हूँ जोन में, जोन में आ जाता हूँ यहाँ पे शैक के पास, क्योंकि ये जगह थोड़ी जोन में थी। जैसे होता ना जरा सुनो गन शॉट के पास, पीछे से आते हैं दो बंदे, अब ये बंदे देखो उतर चुके थे, तो मैंने सोच लिया था कि पहले एक से ही फाइट लूंगा मैं, वरना दिक्कत हो जाएगी भले ही एस्टल, क्योंकि क्या बोला मैं, क्या बोला, चार एस्टल के में तो बंदे नॉक हो रहे भाई साहब, हदी हो गया। देखो चलो इसको मैंने नॉक कर दिया, मुझे डर था कि दूसरा टीममेट इसका ना आ जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरे को डैमेज पड़ रहा है ना भाई, मैं मर भी सकता था, पर जैसे मेरी हीलिंग लग जाती है ना, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि यहाँ इजिली मार दूंगा मैं इन बंदे को, क्योंकि मेरे पास एस्टल के, और देखो पूरे मैच मैंने क्लोज में एस्टल की यूज करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब यूज ही यूज करा जाए, यूज ही से मैच को फिनिश करते हैं। वो बंदा होता है सामने, और अब बस देखो क्या होता है, यूजी से भी मैंने ठीक ठाक डैमेज दे देता है यार, फिर भी उसके बाद भी दो तीन एस्टल के मैंने छाप दी, फिर भी भाई बंदा नहीं मर रहा ना, तो यार मेरी गलती नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। देखो इस वाले के मैं आता इस वाले आइलैंड पे, क्योंकि इस बार नहीं छोड़ूंगा भाई, जाना पड़ेगा आइलैंड पे। मैं जैसे जाता हूँ मुझे पहले तो गन नहीं मिलती, कुछ देर बाद मेरे को मिल जाती है UMP-45 और M4, और आप देखना यहाँ पे होगी भाई थर्ड पार्टी, मतलब देखना कौन करता है थर्ड पार्टी। अब मेरे को तो मेरा किल मिल जाता, क्योंकि जिस बंदे को मैंने नॉक करा था ना उसकी पूरी टीम यहाँ पे मारी जाती है, तो तुम समझ सकते हो कितनी टीम्स यहाँ पे आ रखी होंगी, मतलब पूरी एक टीम मारी जा चुकी है। अब देखो मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, पर मेरे टीममेट का भाई किस्मत ही खराब थी आज, वो आ गया बंदा पीछे से, वो फेल दिया यार मैं। डैमेज मैंने बंदे को कब दिया, और नॉक देखो कब हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक और किल चोरी कर लिया, मैंने सोचा अपने टीममेट को बचा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई यहाँ पे किल भी चोरी हो सकती है, क्योंकि काफी सारी टीम्स आ रखी है यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ अपने किल सिक्योर करने। इसको मैं पूरा फिनिश करना चाह रहा था, लेकिन मेरा टीममेट भाई मरने वाला था, तो मैंने सोचा रिवाइव कर लेते। मैंने इसको इतना डैमेज तो दे दिया था कि हाँ तड़प तड़प के अपने आप मर जाएगा, पर इसको आता भाई टीममेट बिल्कुल फरिश्ता बन के कि हाँ मैं बचाऊंगा अपने मित्र को, पर नहीं मेरे भाई बहुत देर हो चुकी है। और इसे तुम किल चोरी कह सकते हो, लेकिन मेरे टीममेट को लगा कि मेरे को ये बंदा नॉक फिनिश कर देगा, और मेरे टीममेट की भी इतनी हेल्थ नहीं थी, तो भाई कोई बात नहीं यार, बुरा तो मेरे को लगा, पर कोई नहीं यार, 6 किल और क्या बोल कह रहा हूँ मैं, ऑलरेडी मेरे को मिल चुके हैं, तो कोई नहीं, इतने में खुश रहते हैं। अब देखो हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि यहाँ से निकल के हम बोट पकड़ के सीधा और बंदे मारेंगे, पर अभी यहाँ पे और भी बंदे बचते हैं।
मेरा टीममेट उसको मारा था और भाई आजकल ना लेवल 3 की वेस्ट बहुत मिल रही है और मैं नहीं चाहता था ये वाला किल मेरे हाथ से जाए। और एक चीज मैंने सच में नोटिस करी यार, इस आइलैंड पे जितने भी बंदे आते ना जितनी बार सबके नाम ऐसे क्रिएटिव क्रिएटिव मिलेंगे ना, मतलब तुम फैन हो जाओगे, इतना अच्छी तरह से नाम रखते हैं। लेकिन भाई बड़ी आसानी से मारे जाते हैं कसम से आइलैंड पे बंदे, पता नहीं यार इतनी कभी मुश्किल हुई नहीं मेरे को यहाँ पे बंदे क्लियर करने के लिए। अब देखो मैं यहाँ से सोच रहा था कि इस बार मेरे को निकलना है यहाँ से कुछ भी करके, लेकिन मेरा टीममेट भाई वापस से चुल मच जाती है, वो कहता है एक और बंदा है भाई। और अब क्या कर सकते, ये वाली चुल तो मेरे को भी अच्छी लगती है भाई, बंदे मस्त किल मिलेंगे अपने को। तो मैं चाहता हूँ भाग भाग आ गया और बंदा मेरे सामने, इस वाले बंदे को मारते रहो। फाइनली ये जगह पूरी क्लियर हो चुकी थी भाई साहब, 8 किल हो चुके, मतलब वो किल चोरी ना होता ना तो मेरे 9 किल हो जाते इसी जगह में ही। खैर छोड़ो भाई, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, उसे भूल जाओ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। अब देखो मैं वापस से बैठता हूँ अपनी बोट में। बोट मैंने एक बार तुमसे पूछा था ना इसका हिंदी वर्जन, मतलब यार तुम लोगों ने ना मेरे को पता है भाई से नाव कहते हैं, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी पूछ रहा था, मेरे ख्याल से कश्ती बोलते हैं, नाव कश्ती ऐसा कुछ बोलते हैं, नाव का तो मेरे को पता है यार। बैठता हूँ जल्दी बोट में और मैं जैसे ही बिल्कुल नदी पार पहुँचता हूँ मुझे एक बंदा दिखता साफ बना। और हाँ, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वाला मैच हम डुओ खेल रहे हैं, मैं आपसे बताना भूल गया। अब देखो मैं थोड़ा नीचे नीचे ही था क्योंकि इसका दूसरा टीममेट भी कहीं ना कहीं साबन हो सकता है और हमारी बैंड भजा देगा, लेकिन भाई इतने पेशेंस है मेरे अंदर, मैं आ जाता हूँ ऊपर क्योंकि कहीं मेरे को वो दिख नहीं रहा था अभी तक, होता ना कहीं पे तो एक तो गोली तो चला ही देता। अब देखो हमें ना आगे से गाड़ी पकड़नी थी क्योंकि ये ना भैया सिर्फ पानी में ही चलेगी, बहुत अच्छा ज्ञान बांटा मेरे को पता है। अब देखो मैं गैराज के पास जाता हूँ गाड़ी पकड़ने, लेकिन जैसे जाता हूँ दूर से कोई बंदा मेरे को मारता है। ये बंदा मेरे को ऑलमोस्ट आधा खा चुका था और भाई कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदा मेरे पे रश भी कर रहा था, तो मैंने मेरे टीममेट्स का कि जल्द से बेट बने इसके सामने, मतलब कुछ भी कर और फिर मैं इसको पीछे से मारता हूँ। और देखो और कब 10 किल हो गए पता भी नहीं चला, मैं 10 किल इतना ज्यादा तरस रहा था, फाइनली 10 किल मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो हम गाड़ी लेके आते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बीच में ड्रॉप लूटे थे जहाँ से मेरे को गिली सूट और लेवल 3 का माल मिल गया था, तो वो लूटते दिखाता आपको बढ़िया थोड़े लगता, तो मैं आ गया थोड़ा सिंगल डेल्टा के पास और मैं देखता पहाड़ की तरफ एक USB है और 2 बंदे में, मैं जैसे ही पास आता ना देखना, पहले तो मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही बंदा है लेकिन नहीं भाई ये 2 होते हैं, और 2 कब 3 4 हो जाए कुछ और मत समझ लेना, तो पता नहीं चलेगा भाई कब इनकी पूरी स्क्वाड हो जाए। तो मैंने सोचा एक नेट टॉस करते क्योंकि इन बंदों को सामने से आना है और कवर ले लिया था मैंने सही, और बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस जिन्होंने नहीं किया है। तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन इतनी मस्त निकलती है, नेट से दूसरे वाला बंदा मारा जाता है, यहाँ से मैं क्रेट लूट लेता हूँ, 4x को मिलता है जो कि मेरे किसी काम का नहीं, और मैंने सोचा था कि एक बार कार नाइट उठा लेता हूँ 4x से चला लूंगा, पर फिलहाल देखो मेरे साथ ना बहुत सही परफॉर्म कर रहा था M4 और AKM, तो मैंने सोचा भाई इसी को चलने देते हैं। और अब मैं आपसे मिलता हूँ कल क्योंकि आ गए, अब आपको मॉन्टेज वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि इस वाले गेम में ना मैंने आगे बहुत ही बोट मारे और आखिरी में 2 रेयर प्लेयर मिलते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल, आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल वालों को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ कल, यू नो, तब तक के लिए बाय। Your company.